नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका की संस्था सेवा एक प्रयास द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। सेवा एक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य रोजाना ही जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, बेसहारा मवेशियों को चारा भी संस्था के सदस्यों द्वारा खिलाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सेवा एक प्रयास संस्था लोगों की जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास कर रही है। फाजिलका के गांव बादा में आज जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अज कितने आए हो राशन देने वास्ते? ये पिंड बादा गिली च असी पहुंचे हैं। सेवा एक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी प्रधान गौरव नागपाल। मैं दसना चाहना कि इत्थे असी आउटर एरिया दे विच राशन पहुँचा रहे हैं। फाजिलका दे आउटर जिन्ने भी आउटर एरिया ने, तो पिंड अज सानू पता चलिया कि इत्थे पिंड दे विच 25 तो 30 परिवार है जी, जिन्हां ने 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जिन्हां कोलों कोई राशन नहीं पहुँच रहा सी, ते ओह भुख दा सामना कर रहे सी। ते अज सेवा एक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी तरफों असी उत्थे राशन मुहैया कराउण आए हां कि सानू लोड़मंदा फोन आया कि साढ़े कोई राशन नहीं पहुँच रहा, तो अज असी नालों नाल राशन का प्रबंध करके तो इतने पहुँचे। सर, तुहानू किवें पता लग्या भी इस पिंड दे विच राशन नहीं पहुँच रहा? पिंड दे लोकां द्वारा मैनूं फोन आन ते पता चलिया कि उन्होंने मेरा नंबर मिल गया कि असी पिछली बारी नंबर दस्या गया सी प्रधान दा ते कैशियर दा। उन्होंने उस थ्रू पता चल के उन्होंने आरबी लाइव मीडिया तो पता चलिया कि ये नंबर से कॉल किया जाए, तो उन्होंने कॉल करके साडू ये गुहार लाई कि सानू अज असी 3 दिन हो गए, 4 दिन प्रशासन नूं कहण तो बावजूद भी साढ़े इत्थे अजे कोई नहीं पहुँचा। तुसीं ये तुहाडा जिहड़ा ये प्रयास है, तुहाडी सोसाइटी ये काम कर रही है, इहदे विच मतलब मीडिया का बहुत वड्डा रोल है। तुसीं मीडिया नूं की कहना चाहोगे ते मीडिया दे राही लोकां नूं की संदेश देना चाहोगे? मीडिया का सब तो पहला मैं धन्यवाद ये करना चाहवागा। मीडिया द्वारा ही पता चलता है कि केड़ा काम कित्थे चाहिए। तो दूसरी गल, मीडिया द्वारा मैं संदेश देना चाहवागा, ये दुख की घड़ी जिहड़ी वापर रही है, ये मिलजुल के ही हो सकता है, पूरी की जा सकती है। ते नाल ही मैं दसना चाहवागा कि जेडे कोरोना वायरस करके लोग घर जेडे बाहर ना निकलन, जिवें कि एक दो दिन देखने मिल रहा है कि लोग काफ़ी बाहर निकल रहे हैं, मैं यही सारे गुहार लावांगा कि वह आते अपने अपने घर रवन। जिवें कि असी इत्थे पहुंचे हाँ, तुसी सानू फोन करो, असी तुहाडे कोल पहुंचांगे। कि इस स्थिति तो बाद जो माहौल ठीक हो जाएगा उस दौरान भी तुहाडी संस्था कोई ऐसा काम करेगी जो किसी नूं जरूरत होएगी? बिल्कुल, जो भी साड़ी किसी भी लोड़ होएगी, चाहे प्रशासन होवे, चाहे आम जनता होवे, जितों भी होए, पूरे असी डिस्ट्रिक्ट दे विच असी ये काम करांगे। धन्यवाद। सेवा एक प्रयास सोसाइटी द्वारा किए जा रहे निरंतर कार्यों से मैं आप सबको अवगत करवाना चाहता हूँ। सेवा एक प्रयास सोसाइटी का नारा ही आपका साथ हमारा प्रयास है। हम लोगों द्वारा रोज निरंतर, जब से लॉकडाउन हुआ है, निरंतर नए नए कार्य किए जा रहे हैं। अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग वॉलंटियर्स के द्वारा हम अपने कार्यों को संपूर्ण कर रहे हैं। सबसे पहले दिन हमने गौवंश के लिए हरे चारे का प्रबंध किया। जो बेसहारा पशु सड़कों पर भूखे मर रहे थे, उनको हमारी सोसाइटी के द्वारा चारे का प्रबंध किया गया उनके लिए। उससे अगले दिन हमने जरूरतमंद परिवारों को, जिनके पास अभी तक प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था, वहां हमने जाकर उनको 50 किटें कम से कम हमने राशन की बांटी हैं। और कल हमने ओडा बस्ती, नई अनाज मंडी, मच्छी भीड़, वहां जाकर हमने बिस्कुट, कम से कम 1000 पैकेट बिस्कुट की सेवा की है। और आज हमने सुबह फिरोजपुर रोड पर स्थित बेसहारा पशुओं के लिए, अंगहीन पशुओं के लिए, जो अस्पताल के तौर पे एक गौशाला बनाई गई है, गौशाला, वहाँ पर जाकर हमने हरे चारा और तूड़ी की जो उनको सेवा दी है, क्योंकि वहाँ पर पशुओं के लिए चारा ही नहीं था, पट्ठे भी नहीं थे, हरा चारा भी नहीं था और तूड़ी भी नहीं थी। इसी तरह हमारी जो सेवा एक प्रयास सोसाइटी है वो निरंतर कार्य कर रही है। इन सब के लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। इसमें सहयोग देने के लिए हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जो कि अपनी निरंतर ड्यूटी तनदेही से इस मुश्किल घड़ी में कर रहे हैं, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी पूरी ड्यूटी निस्वार्थ और निष्काम भावना से कर रहे हैं, और जो हमारे बाल्मीकि समाज के जो वॉलंटियर्स हैं जो रोज सुबह नृत्य
हमारे जो शहर को साफ रखने के लिए पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ, सबको अपनी संस्था की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं मीडिया का, खासकर जिनमें आरबी लाइव चैनल है, हमारे रुपेश बांसल जी जिन्होंने हमारे प्रयास को जन जन तक पहुंचाया है, और शरद केसरी जिन्होंने हमारे हर काम को, हमारे हर कार्य को, हर चीज़ को उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ ही मैं जनता से ये अंत में अपील करना चाहता हूं कि कृपया जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें, इससे बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें, कृपया अपने घर पर बैठे आराम से। बहुत सी सारी संस्थाएं हैं जो प्रशासन के साथ मिलकर हर तरह का कार्य कर रही है, जो भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो सभी संस्थाएं मिलकर, प्रशासन मिलकर उन दिक्कतों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कृपया आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, घर पर रहें, बिना कार्य के घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद। अगे गुहार यह है कि अपने मेरे आंढ़ गुआढ़ के 70-75 लोग जो कि पिछले 5-7 दिनों तो भुख का सामना कर रहे थे, साढ़े एक फोन करन दे नाल सेवा एक प्रयास कमेटी वालों उन्होंने ताई राशन पहुँचाया गया। असं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ, उन्होंने साढ़े पहले फोन के नाल दी नाल ही आके उन्होंने राशन पहुँचाया गया, तो उन्होंने चुल्हे पकती रोटी की गई। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। सत श्री अकाल मेरे वालों जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। ये कौन पिंड है जी? पिंड बाधा किली। इतने की मामला की है, कारण की है? वीर जी भी इतने प्रशासन ने कोई किसी की गुहार नहीं सुनी। असं उन्होंने अब सेवा एक प्रयास कमेटी को फोन किया था कि जे 70-75 लोग जो कि भुख का सामना कर रहे हैं उन्होंने ताई रोटी पहुँचती की जाए, तो उन्होंने साढ़े एक ही फोन पर नाल दी नाल ही अद्धे घंटे के आए, तो उन्होंने कोल राशन पहुँचता किया था कि उन्होंने रोटी पक जाए। तुम प्रशासन के कि अफसर के अगर गुहार लगाई है? तुम्हें किनू कहा भी सानू राशन चाहिए, असं भुखे बैठे हाँ, पर इतने कौन नहीं आया, तुम ये दसो। लोकल प्रशासन तो अपने पिंड के लोगों भी कहा जो कि बहुत बार बंदे हैं, पर उन्होंने साड़ी कोई नहीं सुनी, पर इन्हों असी राशन पहुँचाने के सेवा एक प्रयास कमेटी ने बहुत साड़ा योगदान दिता। ठीक, हरे चारे और तूड़ी का प्रबंध किया और आगे भी निरंतर इसी प्रकार करती रहेगी। जो पिछले कई दिनों से आवारा घूम रहे सड़क पशुओं के लिए चारे का प्रबंध कर रही है और भूखे लोगों के लिए राशन का प्रबंध कर रही है, आपका साथ हमारा प्रयास, मैं तहे दिल से समूह मीडिया वासियों कर्मियों का और विशेष तौर से आरबी लाइव का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाया और जन जन तक पहुंचाया। धन्यवाद।